चैरशोकतरु संसृते मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानं बिम्बं रवेरिविपयोधर पार्श्ववर्ती। हो गया। अब चलते हैं सिंहासन। सिंहासन दूसरा प्रातिहार। भगवान जो अरहंत होते हैं वो सिंहासन में विराजमान होते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियद विलस विलस वियद विलस दंसु लता वितानं तुंगो दयाद्रि तुंगोदयाद्रि शिर शिर शिव शिर शिव सहस्र रश्मिः सहस्र रश्मिः। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं वपुः वपुः। हाँ, विसर्ग भी है ना। वपुः विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियद् विलसदंसुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः पढ़िए सब लोग साथ। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियद् विलसदंसुलतावितानं सिंहासने सिंहासन में या सिंहासन पर मणि मयूख। मयूख मतलब अभी तो बताया पीछे काव्य में किरण किरण, ठीक है ना। किसकी किरण? मणि, मणियों की किरण, मणियों की किरण। शिखा, शिखा होता है ऊपर का भाग, ये शिखा बोलते ना। शिखा ऊपर का भाग, अग्रभाग से। विचित्र अनेक प्रकार के, चित्र विचित्र अनेक प्रकार के, ठीक है ना। सिंहासने सिंहासन पर। सिंहासन कैसा है? जिसमें रत्नों की किरणें निकल रही हों, और सारे सिंहासन के अग्रभाग में क्या रत्नों से, जो रत्नों से चित्र विचित्र से मोह खचित है, मतलब निर्मित है। ऐसे रत्नों से निर्मित है जो सिंहासन के समस्त अग्रभागों में लगे हुए हैं। उससे क्या निकल रही हैं? चमकदार किरणें निकल रही सिंहासन पर, ठीक है ना। मणि मयूख शिखा विचित्रे सिंहासने, ऐसा हो जाएगा कि रत्नों की किरणों के अग्रभाग से विचित्र चित्र विचित्र, मतलब उसी से नक्काशी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं रत्नों से। जैसे रत्नों से ओम बना दो, रत्न स्वस्तिक बना दो, तो इस प्रकार से वो अनेक प्रकार से डिजाइनिंग हुई है सिंहासन में। ठीक है, ऐसे सिंहासन पर विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। क्या हो रहे हैं? विभ्राजते शोभायमान हो रहे हैं। कौन? तव 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 आपका, तब आपका क्या? बपुः शरीर, बपुः शरीर आपका शरीर। कैसा शरीर? कनकावदातम, स्वर्ण की तरह उज्ज्वल। कनकावदातम कैसा है? कनक जानते हैं ना, कनक की तरह, अवदात उज्ज्वल, कनक की तरह उज्ज्वल आपका शरीर विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। किसमें शोभायमान हो रहा है? सिंहासन पर। कैसा है सिंहासन? मणि मयूख शिखा विचित्रे। कैसा है? हाँ, ऐसे सिंहासन पर आपका शरीर क्या हो रहा है? शोभायमान हो रहा है। अब उदाहरण देंगे कि बिंबम बिंब, बिंबम बिंब किसका बिंब? वियद, वियद मतलब सूर्य नहीं, वियद मतलब आकाश में, वियद विलस, वियद आकाश में, विलस शोभायमान है, शोभायमान है। बिंबम बिंब कहाँ पे शोभायमान है? आकाश में। विलस, विलस मतलब विलासता को, सौंदर्यता को, सौंदर्यता मान है, सौंदर्य मान है, सौंदर्यपूर्ण है, शोभायमान है। अंशु, अंशु मतलब किरण, अंशु मतलब क्या है? किरण। क्योंकि सूर्य की बात चल रही है तो अंशु मतलब तो होता है भाग, किसी भी चीज़ का भाग। तो सूर्य की बात चल रही है तो किसका किसका अंशु? सूर्य का। तो सूर्य रूपी लता, लता सूर्य रूपी लता वितान, सूर्य रूपी लताओं का समूह, सूर्य रूपी मतलब करण रूपी, सर किरण रूपी लताओं का समूह। अंशु मतलब किरण, तो किरण रूपी लताओं का समूह जिसके ऐसे तुंगोदयादि, तुंग मतलब क्या होता है? ऊंचा, तुंग ऊंचा, उदय उदय उगना, आद्रि आद्रि मतलब होता है पर्वत, पर्वत सुमेरु आदि पर्वत होते ना, बड़े बड़े पर्वत आद्रि। तो ऊंचे उदयाचल की, क्या हो गया इसका अर्थ? क्या हो गया पूरा? तुंगोदयादि ऊंचे उदयादि चल, अचल मतलब पर्वत, अचल का मतलब क्या होता है? उदयाचल मतलब उदय और अचल पर्वत। तो ऊंचे उदयाचल की सिर, सिरस एव, सिरस मतलब शिखर, सिरसी सिरसी एव शिखर पर। सहस्ररश्मि, सहस्ररश्मि किसका नाम है? सहस्ररश्मि सूर्य का नाम। क्या नाम है? सहस्ररश्मि किसका नाम है? जिससे हजारों किरणें निकल रही हों, ऐसे सहस्ररश्मि सूर्य का नाम। तो सहस्ररश्मि सूर्य के बिंबम एव, बिंब की तरह, सूर्य की बिंब की तरह शोभायमान हो रहे हैं। जैसे उदयाचल में जो सूर्य होता है, जब किसी पहाड़ की वहाँ से निकलता है तो उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं और उसकी जो लालिमा होती है, क्या होती है? वो कैसी होती है? बिल्कुल हल्की हल्की सी लाल सी होती है, तो आँखों में चुभता भी नहीं है और देखने में आनंद भी आता है। बस आप भगवान सिंह, जो पहाड़ है वो सिंहासन, वो पहाड़ जो है वो था ना उदयाचल वाला पहाड़, वो पहाड़ को क्या बोल दिया? सिंहासन। और उससे निकलने वाला जो सूर्य हैं वो आप हैं। क्या है वो? तो उसकी जो सूर्य की किरणें जब पहाड़ में भी पड़ती हैं तो पहाड़ भी बहुत सुंदर लगने लगता है। ठीक है ना? तो बोले कि ऐसे ही जिस सिंहासन में आप बैठ गए तो वो सिंहासन की किरणें भी चमचमाने लगती हैं, सुंदर को प्राप्त होने लगता है। वो सिर्फ आपकी महिमा है। जैसे वो सूर्य की महिमा है कि सूर्य की महिमा जब प्रकाश किरणें फैलती हैं तो चारों तरफ अंधकार दूर हो जाता है और पहाड़ भी वह चमचमाने लगता है। ऐसे ही जब आप सिंहासन में बैठते हैं तो सिंहासन में लगे हुए रत्न भी चमचमाने लगते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से शोभायमान होते हैं। हे जिनेंद्र, मणियों की किरणों के अग्रभाग से खचाखच भरे हुए सिंहासन पर स्वर्ण के समान कांतिमान आपका शरीर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे आकाश में चमकती हुई किरणों के जाल को फैलाने वाला सूर्य का बिंब उदयाचल के शिखर पर सुशोभित होता है। अर्थात सिंहासन, उदयाचल और भगवान का शरीर उस पर उदित होते हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे हैं। सिंहासन मतलब जो उदयाचल का शिखर का भाग है और बाकी सूर्य मतलब भगवान। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो नमयूण पासम विसहर फुलिंग मंतो विसहर नाम रकार मंतो सर्व सिद्धि मीहे इहि समरंताणम मन्ने जागई कप दुम्मच्चम सर्व सिद्धि ओम नमः स्वाहा। देखिए ये जो मंत्र जितने भी लिखे इसमें ये सब मंत्र बाद में जुड़े हुए मंत्र हैं, ठीक है ना। मूल तो अपना जो भक्तांबर जो चल रहा है वही अपने आप में मंत्र है। यदि ऐसी असीम भक्ति हमें भगवान के प्रति आती है तो सारे मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, सारे कार्य अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं, कर्म की निजरा अपने आप होने लगती है, पुण्य का बंध होने लगता है और मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाता है। ये बात के मंत्र सब जुड़े हुए हैं। हाँ, रिद्धि मंत्र जो है घोर तवाणम तित्तवाणम तत्तवाणम पीछे पढ़ते आ रहे अपन, ये सारी रिद्धि मंत्र को कर सकते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपहु कलधौत कांतम उद्यच्छांग उद्यच्छ दावरिया है ना, तो उद्यच्छ शांक उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधारा मुच्चैस्तटम सुरगिरे रिव शातकौंभम कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्दच्छ सांक शुचि निर्झर वारिधारा मुच्चैस्तटम सुरगिरे रेव सातकौंभम पढ़ो साथ। चमर कौन सा प्रातिहार है? चमर नाम का प्रातिहार है। यदि किसी को किसी प्रकार से नज़र लगती है ज़्यादा तो उसे भगवान के सामने चमर ढुलाना चाहिए। कोई तुमको बुरी नज़र से देखता है, बुरा सोचता है, बुरा विचारता है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या आप धर्म ध्यान में बाधा पहुंचती है तो उसको खूब भगवान के सामने लेकर के चमर करना चाहिए। ऊपर नीचे से ऊपर जाते हुए फिर सामने से ऐसे ऊपर जाते हुए ये करते हुए ऐसे करते हुए तो पूरा तो इस प्रकार से ऐसे तो आपकी जो नेगेटिविटी जितनी ऊर्जा है, जितने भी लोग आपके प्रति गलत सोचते हैं, गलत विचार बनाते हैं या अपने अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आती है तो भगवान की भक्ति करते करते जैसे अभिषेक हो रहा है, अभिषेक के समय भगवान के दर्शन करते समय इस प्रकार से यदि हम चमर करते हैं तो हमारा वो जो है सारी की सारी जो गलत ऊर्जा है वो दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और आनंद आने लगता है। हाँ, पहले जैसे ऐसे करते हुए ये और फिर ये ऐसे, ठीक ना, पूरा शरीर में हो जाता है और भगवान की वंदना हो जाती है इस प्रकार से। हाँ, करना ज़रूर करना, सभी लोग करो। भगवान का जब अभिषेक होता है तब तो बड़ा आनंद के साथ है। अब चमर रखे होते हैं मंदिर में, ठीक है ना, तो आप चमर ले लो और भगवान के साथ भक्ति भी करो और आनंद भी लो, थोड़ा नाच भी लो, नृत्य भी कर लो, मस्ती मान लो, ठीक है ना, भक्ति भी कर लो। चमर 64 चमर क्या बोलते कि देव लोग भगवान के ऊपर जब समोषण में बैठते हैं चलते हैं तो पूरे 64 चमर चलते रहते हैं, ठीक है ना। ये राजा लोग रहते हैं उनके भी चमर चलते रहते, साइड में बैठे रहते हैं। देखो राजा लोग भी के पास वो पंखे वाले वो चलते रहते हैं। चमरी गाय की भी होते हैं वो भी इसलिए होते थे, कोई राजा, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक किसी प्रकार का उनको कोई फेंके कुछ करे तो वो वहीं पर क्या बोलते कि ऊर्जा हो जाती थी, पास तक नहीं पहुंच पाती थी। इस प्रकार से ऐसा नहीं कल से तुम लोग घर में लेके घूमते रहो, सासू के सामने, बहू के सामने, तेरी ऊर्जा मेरे पास ना आए, मेरी ऊर्जा तेरे पास ना जाए। चलिए, चंबर पर एक भक्ति का भी प्रतीक है। कल्याण मंदिर में बहुत सुंदर दिया हुआ था कि जैसे चमर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ऐसे ही मेरी यात्रा भी संसार से मोक्ष की ओर हो रही है ऐसे।